में हम न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम देखने वाले हैं, काम कैसे करता है। तो सबसे पहले देखिए न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है क्या, क्लियर है, इसको समझना है। न्यूमेटिक मतलब क्या होता है, एयर। जैसे हाइड्रोलिक में हम फ्लूइड का यूज करते हैं, हाइड्रो एनर्जी, न्यूमेटिक में हमारा वैसे एयर एनर्जी होता है। तो इसको न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम को हम एयर ब्रेकिंग सिस्टम भी कहते हैं, क्लियर है। तो काम कैसे करता है वो, इस पूरा मैंने इसकी ड्राइंग बनाई है। वैसे और भी ड्राइंग देखोगे तो आप काफी कंफ्यूज हो गए, मैं आपको बहुत क्लियर में और डिटेल में बताने वाला हूं कैसे ये न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। हम दो टाइप के न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम पे बात करने वाले हैं। पहला तो है एयर इनलेट और दूसरा है एयर लीकेज ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। न्यूमेटिक एयर में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एयर इनलेट। जनरली जो एयर इनलेट है, जो हैवी व्हीकल्स जो होते हैं ना वहां यूज करते हैं, जो काफी ज्यादा हैवी व्हीकल्स होते हैं उन्हीं में यूज करते हैं, क्योंकि मैनुअल ब्रेकिंग होता है वो काफी दिक्कत होगा। आप मैन्युअली कितना ब्रेक लगाओगे, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, कैसे आप मैन्युअली कितना भी लिंक मैकेनिज्म कर लो, कैसे करोगे आप, मैन्युअली उसको नहीं रोक पाओगे, उतना इफेक्टिव ब्रेकिंग आपकी नहीं हो पाएगी। तो जो हैवी व्हीकल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके हाईवा हो गए, ट्रक्स हो गया, ये सब जो है आपकी ट्रेन हो गए, इन सब में हम न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम यूज करते हैं। ओके, तो जनरली एयर इनलेट ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको हर जगह दिखेंगे, हर गाड़ी में मिलेगा आपको, यहां तक रेल में भी मिलेगा। एयर लीकेज सिस्टम जो है इसको कहते हैं हम लोग इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, इमरजेंसी। न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम में हम इमरजेंसी के केस में एयर लीकेज ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ये जनरली रेल रेल में यूज करता है, ठीक है। ट्रेन्स हो गया, ट्रेन में यूज करते हैं हम इमरजेंसी ब्रेक के तौर पे। जो आप अपना कोच होता है ना, कोच में जो इमरजेंसी ब्रेक होता है, आप जिसको पुल कर कर ब्रेक लगाते हो, तो वो होता है एयर लीकेज ब्रेक। जब भी आप एयर आप पुल करते हो तो क्या आपको एक एयर की आवाज सुनाई देती होगी, एयर निकलते हुए एक आवाज सुनाई देती होगी, तो उसके कारण ब्रेक लगता है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे एयर न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, उसके बाद हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जो हमारा कॉम्प्रेसर है, ये कॉम्प्रेसर ऑपरेट होता है इंजन से, इंजन से हमारा ऑपरेट होता है कॉम्प्रेसर। कॉम्प्रेसर क्या है, एयर को यहाँ पे कॉम्प्रेस करके रखता है, एयर को कॉम्प्रेस करके रखता है, एयर कॉम्प्रेस करता है, एयर को कॉम्प्रेस करके इस रिजर्वायर में स्टोर करता है हमारा ये कॉम्प्रेसर, ठीक है। तो ये इससे पहले जो एयर हमारे कॉम्प्रेसर में जो एटमोस्फेरिक एयर आता है, दिस इज फ्रॉम एटमोस्फेरिक, ठीक है, दिस इज एटमोस्फेरिक एयर। जनरली हम एटमोस्फेरिक एयर का यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम एयर फिल्टर लगाते हैं ताकि जो भी एयर में डस्ट पार्टिकल्स हो, थोड़ा मॉइस्चर पार्टिकल्स हो, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हो एयर से, वो यहाँ पे फिल्टर हो जाए। फिल्टर होने के बाद कॉम्प्रेसर क्या करता है, कॉम्प्रेसर वर्क करता है हमारा इंजन पे, कॉम्प्रेसर वर्क करता है इंजन पे, ठीक है। इंजन से कनेक्ट होता है कॉम्प्रेसर, जैसे जैसे इंजन चलता है वैसे वैसे कॉम्प्रेसर भी हमारा चलता है। इनके बीच में हम इंगेजिंग डिसइंगेजिंग का भी लगाते हैं कि जब जरूरत हो तब ऐसा करें। वैसे तो रेगुलर आपको ये मेंटेन करके रखना पड़ता है पूरे में एयर, तभी आपकी ब्रेकिंग लगेगी, वरना आप पता चला जब आप ब्रेक लगा रहे हो तब मेंटेन एयर मेंटेन नहीं है, ये सारे पाइपलाइन में एयर अगर मेंटेन नहीं है तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद एयर लगेगा। तब तक कुछ टाइम ये एयर जो टाइम लैप्स है ये आपको बहुत बड़े एक्सीडेंट की ओर ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये इंगेजिंग डिसइंगेजिंग रखते हैं, तो जनरली ये कॉम्प्रेसर हमारा हमेशा वर्क करता है, रिजर्वायर में हमारा हमेशा 92-95% हम अपना एयर को मेंटेन, कॉम्प्रेस एयर, ठीक है, कॉम्प्रेस एयर को मेंटेन करके हमें रखना पड़ता है हमेशा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कंप्रेसर है, कंप्रेसर वर्क करता है हमारे इंजन पे। कंप्रेसर में जो एयर आता है वो एयर फिल्टर के थ्रू होकर आता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक एयर जो है वही फिल्टर होके आता है। उसके बाद हमारा लगा होता है एक वॉल्व जो आपको हेल्प करता है यहां से यहां तक ट्रांसफर करने में, रिजर्वायर तक में ट्रांसफर करने में, कोई बीच में अगर कोई दिक्कत है तो ये वॉल्व ओपन हो जाता है और यहाँ से एयर आपका लीकेज होने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वाल्व के वास्ते जो भी एयर कॉम्प्रेस्ड एयर कॉम्प्रेस होने के बाद क्या होता है, आता है हमारा एयर ड्रायर एंड फिल्टर में। यहाँ एयर ड्रायर एंड फिल्टर में क्या होता है, जो भी हमारा कॉम्प्रेस एयर में कॉम्प्रेस जो हमारा एयर आ रहा है उसमें जो भी हमारा मॉइस्चर पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो मॉइस्चर पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे मॉइस्चर पार्टिकल या कुछ और भी थोड़ा बहुत पार्टिकल्स हैं, उनको यहाँ पे फिल्टर करने के बाद वो आगे की ओर बढ़ते हैं कॉम्प्रेस एयर, और वो आके रिजर्वायर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये रिजर्वायर में हमारा वाल्व लगा
वाल्व कि ज्यादा अगर प्रेशर यहाँ पे हो तो क्या होता है, ये वाल्व ओपन हो जाता है ताकि ये रिजर्वायर फटने का कुछ ऐसा ना हो, ब्रस्ट होने का कोई चांस ना बने, तो हम वाल्व यूज करते हैं। कुकर में भी जनरली यूज करते हैं ना, ज्यादा प्रेशर होता है कुकर फट जाता है, वैसे ही हम यहाँ पे वाल्व यूज करते हैं कि प्रेशर जितना चाहिए उतना रहे, उससे ज्यादा अगर हुआ तो वाल्व ओपन होकर जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको बाहर निकाल दे और यहाँ पे जो भी डैमेज होने से बचा है। अब कंप्रेसर से जो एयर रहता है वो आता है हमारे डर्ट फिल्टर में। डर्ट फिल्टर में क्या होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह, अगर कुछ भी पार्टिकल, मतलब इतने सारे फिल्टर्स का हम यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा प्योर एयर जाए, कहीं भी एयर के कुछ भी उल्टे सीधे पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स अगर आकर हमारे जो ये एक्सपेंडर ड्रम ब्रेक है, ये ड्रम ब्रेक में इसके जो एक्सपेंडर है इसमें कहीं आकर फंस जा रहा है, या किसी पाइपलाइन में वो डर्ट पार्टिकल धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा, तब तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ब्रेकिंग तो आपकी गई और आप चल रहे हो, ब्रेकिंग लगा रहे हो, आपको वर्क ही नहीं हो रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्टर लगा के एयर को जितना हो सके उतना फिल्टर करने की। ठीक है, तो डर्ट फिल्टर में जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह, क्योंकि रिजर्वायर में है, तो रिजर्वायर में जो भी यहाँ से कुछ भी पार्टिकल्स आप बच गए हैं वो आकर इकट्ठा हो जाते हैं नीचे की ओर, इकट्ठा होने लगते हैं यहाँ पर रिजर्वायर में। ठीक है, तो रिजर्वायर में इकट्ठा होने लगते, तो जाहिर सी बात है कुछ तो पार्टिकल्स आएंगे इधर, तो उनको भी फिल्टर करने के लिए डर्ट फिल्टर हम यूज करते हैं। यहाँ से फिर आपका जो एयर है वो आप किसमें जाता है, दिस इज कॉल्ड ब्रेक वॉल्व। ये ब्रेक वॉल्व रहता है, ये कंटिन्यूअस, ये जो मैंने पिंक लाइन से बनाया है, ये एयर रिजर्वायर से कंटिन्यूअस इस पाइपलाइन में, पूरे पाइपलाइन में एयर मेंटेन रहता है। ठीक है, यहां से यहां तक पूरा एयर मेंटेन होता है। अब क्या होता है, इस ब्रेक वॉल्व से हमारा कनेक्ट होता है पैडल। तो जैसे आप पैडल को प्रेस करते हो, ये वॉल्व यहां से ओपन हो जाता है और चारों तरफ, इधर की ओर और इधर की, ये चारों व्हील में एक साथ हमारा एयर ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब एयर ट्रांसफर होता है जब आप इसको प्रेस करते हो, जब आप फोर्स एक्ट करते हो पैडल पे, तो ये वॉल्व ओपन होता है। वॉल्व ओपन से जो भी एयर है वो चारों व्हील में पहुंच जाता है, चारों व्हील के एक्सपेंडर ड्रम ब्रेक। ठीक है, हम पढ़े थे स्टार्टिंग में ब्रेक ड्रम ड्रम ब्रेक दो टाइप का, एक्सपेंडर और मैकेनिकल ब्रेक ड्रम। ठीक है, कैम से तो ये एक्सपेंडर, ये देखो ये जो दिख रहा है, मैं कोशिश करता हूँ इस फोटो को थोड़ा बिग करने की ताकि आपको मैं यहाँ का प्रोसेस अच्छे से समझा दूं। ठीक है, ओके, तो ये काम कैसे करता है इसको ध्यान से देखिए। ये आपका एक्सपेंडर लगा हुआ है, ये है आपका एक्सपेंडर। ठीक है, दिस इज एक्सपेंडर, तो ये यहाँ पे ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर से आपका एयर इनलेट होता है। एयर इनलेट होने से जब ये जो एक्सपेंडर का जो देखो पिस्टन निकला हुआ है, ये एक्सपेंडर का दोनों तरफ पिस्टन, इसी पिस्टन में हमारा इस तरीके का पैड लगे हुए हैं। ठीक है, पैड क्या लगे हुए हैं, एक्चुअली वो एसएस का ही रहता है। जब ये प्रेशर इस पे, एयर जब हमारा इस पिस्टन के अंदर आता है तो क्या होता है, एक्सपेंड करता है इनको, एक्सपेंड, सिलेंडर बाहर की ओर निकलते हैं। तो एक्सपेंड होने से क्या होता है, ये जो आपकी ब्रेक लाइनिंग है, ये जो ब्रेक शू इधर की ओर लगा, ये क्या होता है आपकी, ये जो मेन ड्रम है, ये जो ड्रम है इससे जाके स्टिक, देखो अभी इंगेज मोड पे है, अभी ये ऑन है, तो ये सारे देखो, देखोगे ध्यान से, तो ये ब्रेक ड्रम क्या है, ब्रेक ड्रम से हमारे ये ब्रेक शूज जो है ब्रेक ड्रम से अटैच है, ये इंगेजिंग पोजिशन में ब्रेक लगा हुआ है। और जैसे आप ब्रेक हटाते हो तो क्या होता है, ब्रेक जैसे आप हटाओगे तो ये जो एक्सपेंडिंग आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो पिस्टन बाहर की ओर निकले हुए हैं, ये पिस्टन जो बाहर की ओर निकला हुआ है, ये पिस्टन अंदर की ओर हो जाएगा और जो ये लाइनिंग है ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कैसे हमारा ये काम करता है ना। ओके, तो आई थिंक आपको एक्सपेंडर ड्रम ब्रेक कैसे काम करता है और ये होल न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कंप्रेसर है, कंप्रेसर वर्क करता है इंजन पे, कंप्रेसर में एयर आता है, एटमोस्फेरिक एयर आता है एयर फिल्टर से होते हुए, फिर वॉल्व के थ्रू होते हुए वो एयर ड्रायर में जाता है जिसमें मॉइस्चर पार्टिकल्स वो छन जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, फिर रिजर्वायर में आकर हमारा पूरा एयर, कंप्रेस्ड एयर रिजर्वायर में इकट्ठा होता है, रिजर्वायर में वॉल्व लगा हुआ है ताकि एक्स्ट्रा प्रेशर अगर हो तो उसको वॉल्व खुल जाए और बाहर निकल जाए, अदरवाइज डैमेज होने का चांस बढ़ जाएगा। वहां से जो एयर आता है डर्ट फिल्टर से, जो भी डर्ट्स वगैरह, जो भी फॉरेन पार्टिकल थोड़े बहुत बचे हुए हैं एयर में, वो भी क्लियर हो, क्लीन हो जाए, और वो आता है ब्रेक वाल्व। ब्रेक वाल्व हमेशा क्लोज रहता है, बट जब आप इसको प्रेशर, आप पैडल, ब्रेक वाल्व से कनेक्ट होता है हमारा फुट पैडल, जब फुट पैडल को आप प्रेस करते हो, फुट पैडल को प्रेस करने से क्या होता है आपका ब्रेक वाल्व ओपन हो जाता है। ब्रेक वाल्व के ओपन होने से सारा एयर चारों चक्के में हमारे एक्सपेंडर ब्रेक ड्रम में के जो सिलेंडर है उसमें जाता है और उससे हमारे ब्रेक्स लगते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, नॉर्मल जो गाड़ियों में आप जो मैं यूज करते हो, नॉर्मल कंडीशन में ये रहता है, जो ड्राइवर जो काम पैडल दबाने पे।
ठीक है। अब इमरजेंसी न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम कैसा होता है, जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बात की था इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम कैसा काम करता है, यही डायग्राम को मैं थोड़ा सा इतने पार्ट को मैं चेंज करूंगा और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको चेंज कर लेता हूं पहले। नाउ जैसे कि मैं बताया था ये इमरजेंसी केस होता है, इमरजेंसी केस जो जो होता है जनरली ये रेल में वगैरह में यूज करते हैं, या ट्रक्स वगैरह में भी, जब ट्रक्स को स्टैंड गब्बी ऐसे गाड़ी वगैरह देखोगे क्या इमरजेंसी ब्रेक या पावर ब्रेक के जब यूज करते हैं जो लोग, तब इस टाइप का इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेटिक ब्रेक भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेटिक ब्रेक भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू ये कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल के थ्रू। जो वॉल्व है, ये जो मेन वॉल्व है, ये वॉल्व की कैसे काम करता है मैं ये बताता हूँ। देखो इस में इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम में क्या होता है, ब्रेक यहाँ पे कंटिन्यूअस रिजर्वायर से, जो भी हमारा रिजर्वायर से जो एयर आता है वो यहाँ पे मेंटेन रहता है इस पिस्टन सिलेंडर में। जैसे ये कॉम्प्रेसर है, ये भी एक तरीके का हमारा सिलेंडर रहता है, ठीक है। इसमें ऐसा पिस्टन, इसमें ये पिस्टन लगे हुए हैं और ये पिस्टन अभी पिस्टन लोड पे, लोड कंडीशन पे है, लोड कंडीशन पे, इन द सेंस लोड कंडीशन पे है मतलब यहाँ पे एयर इसमें भरा हुआ है, ठीक है, एयर भरा हुआ है। तो यहाँ पे एयर, पिछली बार क्या हो रहा था, एयर को हम एक्ट करा रहे थे, मतलब जब एयर हम ट्रांसफर कर रहे थे तब ब्रेक लग रहा था। यहाँ पे एयर हमेशा लोड कंडीशन पे रहेगा, सिलेंडर हमेशा आपका लोड कंडीशन पे रहता है, ठीक है। और जैसे आप इमरजेंसी ब्रेक या इमरजेंसी पुल ऑन करते हो तो ये जो वॉल्व है, ये वॉल्व ओपन हो जाता है। इस वॉल्व के ओपन होने से जो भी एयर है इसके अंदर वो तुरंत तेजी से बाहर की ओर निकलने लगता है, ठीक है, एयर बाहर की ओर निकलने लगता है। तो एयर बाहर की ओर निकलने से क्या होता है, ये पिस्टन यहाँ स्प्रिंग के थ्रू ऐसे कनेक्ट रहता है, स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट रहता है। जैसे एयर बाहर निकलता है ये पिस्टन क्या है, इधर की ओर मूव करेगा, और पिस्टन की इधर की ओर मूव होने से जो हमारी ब्रेक लाइनिंग है ये हमारे व्हील पे आके अटैच हो जाती है, जो हमारी ब्रेक लाइनिंग है व्हील पे आके ऐसे अटैच हो जाएगी, और व्हील पे अटैच होने से आपकी ब्रेक लगने लगती है, ठीक है। और ये यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है तो एकदम तुरंत इतनी टाइट ब्रेक नहीं लगती कि भाई पूरी ट्रेन का एक डिब्बे में ऐसा कसकर ब्रेक लग गया तो पता चला पीछे के सारे डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग्स लगे हुए तो एबीएस की तरह काम करता है, ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम, लगता है हटता है, लगता है हटता है, ब्रेक लगेगा फिर पीछे हो जाएगा, लगेगा पीछे हो जाएगा, धीरे धीरे ये ब्रेक अप्लाई करता है, यानी कि एक ही बार कस कर अप्लाई कर दे कि गाड़ी स्लिप हो जाए पलट जाए, ऐसा नहीं होता, क्लियर है। तो आई थिंक आपको ये और जो ये जो वॉल्व वगैरह है, ये जो वॉल्व वगैरह वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट या फिर इसमें पूरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं वो मेंटेन करके बताते रहते हैं कि एयर मेंटेन है कि नहीं है, ठीक है। इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक पे ये काम करता है, जैसे आप वॉल्व को ओपन किया तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है ये वॉल्व ओपन होने के लिए, तो वॉल्व जैसे ओपन होता है तो सारे एयर तुरंत बाहर निकलेगा, जैसे एयर बाहर निकलेगा तुरंत ये पिस्टन क्या होगा, अंदर की ओर मूव होगा, पिस्टन के अंदर की ओर मूव करने से ये ब्रेक लग जाएगा, ओके। तो हमने पिछली बार देखा था एयर ब्रेकिंग सिस्टम में देखा कि एयर को भेजने से हमारा ब्रेक लग रहा है, यहाँ पे देख रहा है एयर को निकालने पर हमारा ब्रेक लगता है, ठीक है। तो इमरजेंसी केस में ऐसा ब्रेक यूज करते हैं, क्योंकि पिछले वाले में हमने क्या देखा था, एयर भेजने से ब्रेक लग रहा था, तो एयर भेजने से, ठीक है, मतलब मैंने क्या बताया था, पहला एयर इंटेक बताया था ना, एयर इंटेक ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है, टाइम लैप्स का चांस होता है, टाइम लैप्स का चांस होता है, तो ब्रेक होता है क्या, कुछ टाइम बाद आपका ब्रेक लगता है। बट अगर इस केस में देखा जाए, ठीक है, इस केस में लीकेज सिस्टम में देखा जाए, लीकेज टाइप ब्रेकिंग सिस्टम में देखा जाए, तो यहाँ पर जैसे आप वॉल्व ओपन होता है एयर क्या होता है बाहर की ओर निकलता है, तो जो टाइम लैप है ब्रेक लगने का एज कंपेयर टू एयर इंटेक यहाँ पे कम हो जाता है, एयर इंटेक में टाइम लैप्स थोड़ा ज्यादा होता है और लीकेज वाले ब्रेकिंग सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम में हमारा कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम वर्क करता है। फिर भी कहीं अगर आपको दिक्कत हुआ होगा किसी भी टॉपिक में तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वारीज को, क्वेश्चंस को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की। थैंक यू।